नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली टलने से अटकलों का बाजार गर्म। नवगठित इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया की पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित थी, पर इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ एक पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के बाद जब पत्रकारों ने अलग से उनसे रैली के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, रैली नहीं हो रही है, स्थगित हो गई है। वहीं सुरजेवाला का कहना था कि रैली कब और कहां होगी, इस पर अभी कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि रैली कहां और कब होगी, इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस गठबंधन में कांग्रेस सहित कुल 28 विपक्षी दल शामिल हैं। इस सवाल पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन न तो कांग्रेस अलाकमान की तरफ और न ही इंडिया के किसी घटक दल की तरफ से इसको लेकर कोई संकेत मिला है। तो क्या ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ने लिया है? इस मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन का यह कदम द्रमुक नेताओं के सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी पर जनता के गुस्से के कारण उठाया गया है। वहीं जानकार भी बताते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद से कांग्रेस बहुत असहज महसूस कर रही है, क्योंकि कमलनाथ ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि हनुमान भक्त कमलनाथ की बनाई है। हैदराबाद में संपन्न कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने अपने नेताओं को सुझाव दिया कि वो सनातन धर्म को लेकर अनावश्यक बयानबाजी से बचें। पार्टी ने नेताओं को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ही अपना ध्यान देने को कहा है। कमलनाथ के बारे में राजनीतिक हलकों और आम लोगों में चर्चा है कि वो भाजपा के हिंदुत्व की पीच पर खेल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने 40 से 45 प्रकोष्ठों का गठन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।